ओम शांति। आज दिनांक 6 फरवरी 2023। आज की मुरली का सार सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी हैं। प्रश्न किया बाबा ने, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर में बाबा बोले, हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमोप्रधान तत्वों से ही बने हुए हैं। बाबा बोले, यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो, तो हम हिज होलीनेस या हर होलीनेस का टाइटल नहीं ले सकते। आज की मुरली में गीत बजा। यह कहानी है दीवे दिए और तूफान की। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। दूसरे पॉइंट में बाबा बोले, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भवम। ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुशनसीब भवम। डिटेल में बाबा बोले, यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीय ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीयता से आगे बढ़ते रहूं, जैसे बाप भी रमणीक है। देखो कभी धोबी बन जाता है तो कभी विश्व का रचयिता। अभी ओबीडियंट सर्वेंट तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे तो इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहूं, तब कहेंगे खुशनसीब। स्लोगन में बाबा बोले, सच्चे सेवादारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।